जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि सोच रहा था मुहर्रम के दिन है तो 10 मुहर्रम हो जाए उसके बाद ही स्टार्ट करूं। तो आज जो वीडियो होगी उसमें हम जो है अपने एक फैमिली मेंबर आया था उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत से लोगों को डॉग्स रखने का शौक़ होता है तो मुझे भी है और ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक कोशिश की थी रखने की लेकिन रख नहीं पाए। पहली चीज़, बंदा कुत्ते से जो तंग होता है वो ये है कि वो आपके ऊपर, मतलब आप कपड़े जो होते हैं वो ख़राब कर देता है, तो वो ही डोंट केयर कि आप कैसे हो, क्योंकि वो सामने आता आके आपके ऊपर छलांगे लगाता है तो कपड़े जो होते हैं वो नापाक हो जाते हैं। इस वजह से माउस पे भेज दिया और नहीं रखा। तो दूसरी रीज़न ये थी कि फैमिली नहीं रखना चाहती थी। पहला तो ये है कि जो है ना, वो कपड़े जो होते हैं बार बार आपको पहन के आने पड़ते हैं और चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि बार बार वो जो बंदा ज़्यादातर पाकिजगी में रहा हो उससे नहीं होता, थोड़ी देर भी नहीं होता, क्योंकि जो नॉर्मल जो लोग होते हैं वो उनके साथ रह रह के उनके आदि हो जाते हैं। हम जो है कभी भी नहीं रखा, तो जो है रखना, मैंने कोई रमज़ान में रखा था अपने पास, फिर वापस छोड़ के आया, फिर लेके आया, तो इतना ही टाइम मैंने जो है उसे रखा था। जैसे पहली रीज़न ये थी, दूसरी फैमिली नहीं रखना चाहती, क्योंकि फैमिली जो है ना हिसाब नहीं कर सकती, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और आप इतनी महंगी चीज़ भी रखें और उसकी केयर नहीं करें तो अच्छा भी नहीं लगता। और तीसरा जो है वो मेरी अपनी रीज़न है कि बहुत लेज़ी, हर काम में लेज़ी, और वो खुद उठा कोई 2-3 बजे तो खाने का याद ही नहीं, उसको कुछ दिया है या नहीं। तो तीसरी रीज़न ये थी कि भाई, आपका अगर जानवर आपने रखा हुआ है तो वो भूखा नहीं रहना चाहिए, वो उसको टाइम के ऊपर देनी चाहिए उसकी जो नीड है, कोई जो भी फीड है। तो इसीलिए यही 2-3 रीज़न थी जिसकी वजह से जो है पालतू जानवर घर में नहीं रख रहे। जो है उसे फार्म हाउस पे भेज दिया था, फिर लास्ट टाइम मैं उसे मिलने भी गया था, कल भी होके आया हूँ, मतलब देख के आया हूँ, वो भी मेरे पास सारे क्लिप पड़े हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक था ये कि जो फैमिली होती है वो उनके साथ हर चीज़ जो है ना रखना थोड़ा मुश्किल होता है। बारे में मैंने कहा चलो थोड़ी सी इस बारे में भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए और कुछ आपको जो मतलब कि अच्छा लगता है या नहीं लगता, आप कैसे ट्रेन करते हो, या अपनी सजेशन भी दे सकते हो। तो वैसे मुझे हो गया उसको लिए हुए कोई तकरीबन 5-6 मंथ हो गए हैं इस डॉग को परचेज़ किया हुआ, लेकिन अच्छी मैं कहूँगा कि डॉग आप तब तक मत लो जब तक आप उसका ख्याल नहीं कर सकते। आप अगर उस
उसकी नीड्स या फीड पूरी नहीं कर सकते आप नए लोग, क्योंकि इजी नहीं होता और टाइम के साथ उसे बाहर लेके जाना दिन में 3 दफ़ा, तो वो जानवर जो है वो आपके साथ तैयार हो जाता है कि मैं मुझे अभी लेके जाएंगे भाई, तो उधर वॉशरूम करना, ये करना। तो इसीलिए जो भी है सोच समझ के बंदा रखे के ये भी कर सकता है बंदा आसानी से। देखिएगा क्लिप और बताएं कैसा लगा आपको। वैसे उसका नाम रॉक्सी या रॉक्सी था मेरे ख्याल से, रॉक्सी जी, तो यही नाम मुझे उस लड़के ने बताया था कि इस नाम पे वो मतलब सुनता है आपको अगर आप उसका नाम लो तो। सो तो यही मसला हो रहा ना कि मुहर्रम गुजरा था उसकी वजह से नहीं बना रहा था और काफ़ी लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। बस इंसान को यही सोचना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी है आपके इर्द गिर्द, उसे जो भी है उसका ख्याल उसकी कदर करनी चाहिए। और ये जो हसन रज़ी अल्लाह तआला जो भी थे उन्होंने अपनी बातिल के आगे अपना सर कलम करवा दिया चुके ने, तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो सबको पॉजिटिवली सोचना चाहिए, लेकिन जो भी है आपसी दूरियों को हटा के बंदे को जो भी है इसके बारे में एक तो पता होना चाहिए कि ये क्या है क्यों है, और सब चीज़ें जो है ना इस लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें बताया गया कि 1,24,000 पैगंबर को हमें मतलब उनकी कदर करनी है, उनके उनका जैसे भी हैं। और ये तो वो हज़रत सल्लम के आल औलाद में से थे, मतलब करीबी सबसे करीब पोते और पोतियाँ थे, तो इनका भी मतलब उतना ही कदर और उनका वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो जिस तरह हर एक हजूर को दी जाती है। कि हमारे इस्लाम में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने गर्दनें कटवा दी लेकिन झुके नहीं बातिल के सामने, तो बी पॉजिटिव। बस जो नेगेटिविटी है उसको अपने से दूर रखना चाहिए और करीब रहना चाहिए, चाहे सुन्नी हो मुसलमान हो, हमें इस चीज़ से बाहर आना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा सोचना चाहिए
क्योंकि लोग जो है दूसरे के ऊपर ज़्यादा कमेंट करते हैं और ख़ुद का पता नहीं होता, तो अपना भी परफेक्ट करना चाहिए कि जिस तरह भी हज़रत सल्लम का जिस तरह फॉलो करना सुनना, तो वो सारा रखना चाहिए। तो जिस तरह आप मुझे पता है जो मेरे लिए बेहतर है या मैंने इस्लाम के बारे में सीखा है वो मुझे परफेक्टली अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो उसकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो गिव एंड टेक रिस्पेक्ट के लिए दोनों रीज़न अप्लाई होती हैं कि आप रिस्पेक्ट दोगे तो कोई आपको भी रिस्पेक्ट करेगा। तो यही है कि बस एक दूसरे से रिस्पेक्ट से